इतना ज़्यादा वेट मैं इसके ऊपर डाल दिया दोस्तों, इसका पुराना एक्सल भी नीचे दब चुका है दोस्तों। लेकिन एक मिनट देखो, मैं इसको चला ही रहा था कि यहाँ पर अपनी बैल इसको घूर घूर कर देगी। हाय हाय बोल दो कैमरा को, हाय बोलो। अरे ये क्या कर रही हो? बैल की एक्टिंग देख के मैं तो खुश हो चुका था दोस्तों। फिर इसको मैं ऑफ रोडिंग करा ही रहा था कि देखो यार, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा वेट डाल दिया गया जिसकी त्रिपालीन देखो भाई, बुरी तरीके से इंस्टॉल मैंने कर दिया था। यहाँ पर मेरे को टेप मार के बंडर इंस्टॉल करना पड़ रहा भाई अंदर। आज मैं आपके होश उड़ाने वाला हूँ क्योंकि आज मैं लेके आ चुका हूँ हैंडमेड आरसी ट्रक। आज मैं ना उसके साथ में हैवी लोडेड टेस्ट करने वाला हूँ। आज देखने वाला हूँ ये ऑफ रोडिंग के अंदर चलेगी नहीं चलेगी। ये देखो भाई, ये है अपनी हैवी लोडेड ट्रक जो कि मैंने पूरी तरीके से जुगाड़ से यूज करा गाइस। इसी तरीके से बताने वाला हूँ ये कैसा चलने वाली है। आज मैं आपके पूरी तरीके से कम्प्लीटली होश उड़ाने वाला हूँ। आज देखने वाला हूँ मैं ये ट्रक कैसा चलने वाली है। फोर व्हील ड्राइव भी और मट्टी के अंदर अपन इसको हैवी लोड डाल के चेक करेंगे गाइस। ये देखो, ये वाली थैली के अंदर अपनी नई नवेली ट्रक पूरी तरीके से डंपर ट्रक दिखती है। आज मैं इसको पूरी तरीके से ना 100 रुपीस के अंदर रेडी कर, आज मैं इसको ना हैवी लोड टेस्ट करने वाला हूँ। हैवी लोड के अंदर ये टेस्टिंग करेंगे और इसको ऑफ रोड के अंदर चला कर देखेंगे। फोर व्हील ड्राइव इसके अंदर है गाइस, फोर व्हील ड्राइव। इसके ऊपर ना गाइस बंडे भी लगाने वाला हूँ। ये देखो गाइस, काफी बड़ा बंडा है। बंडे के ऊपर से चलेंगे, फिर मट्टी भी डालेंगे, फिर कॉन्क्रीट भी डालेंगे, फिर देखेंगे ये इतने सारे टेस्ट को पार करेगी या नहीं करेगी गाइस। आज मैं कम्प्लीटली टूट देने वाला हूँ मेरी हैंडमेड आरसी ट्रक का। नीचे देखो गाइस, इधर है अपनी हैंडमेड ट्रक देसी वाली। ये देखो पूरी तरीके से देसी ट्रक है गाइस। यहाँ से मैं इसको कवर में से निकालने दो। इसके ऊपर ना मैं त्रिपाल भी लगा चुका हूँ। रियल ट्रक के अंदर त्रिपाल रहता है ना, टाट पटरी रहती। देखो टाट पटरी के अंदर भी त्रिपाल, त्रिपाल बोले तो गाड़ी के ट्रक के पीछे लगा देना लोड होने के बाद पूरा। त्रिपाल भी मैं इसके अंदर अटैच कर चुका हूँ दोस्तों। आ जाओ देखो गाइस, वहां पर भी ना काफी ज्यादा मट्टी रखी हुई है। उस मट्टी को भी इसके ऊपर चला कर देगी और इसके बकेट के ऊपर वो मट्टी भी लगा के चेक करेंगे। आज देखेंगे क्या ये ट्रक ऑफ रोड के अंदर चलेगी नहीं चलेगी। नीचे देखो गाइस, ये है अपनी ट्रक पूरी तरीके से थैली के अंदर आ जाती है। इसको मैं कवर में से निकालने दो यार। ओ हो भाई, बहुत भारी चीज़ है यार ये। ओके देखो भाई, जुगाड़ू वाली ट्रक निकल चुकी है, फोर व्हील ड्राइव ये अपना रखेंगे गाइस। ये देखो भाई, कम्प्लीटली ट्रक निकल चुकी है। इसके साथ में अपन को ना 2.4 GHz का एक रेडियो कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। यहाँ से अगर अपन ऑन करेंगे ना तो ये ऑन हो जाता है। गाड़ी के बारे में बात करें तो देखो गाइस, गाड़ी के ऊपर मैंने त्रिपाल लगा दिया है। ये त्रिपाल को ना मैं पूरी तरीके से 5 रुपीस के अंदर रेडी करा, 5 रुपए के अंदर ये त्रिपाल को मैं रेडी करा। कैसा रेडी करा बोले तो, आपके घर में ना पॉलीथीन रहती, देखो पॉलीथीन, प्लास्टिक पॉलीथीन रहती ना, उससे मैं त्रिपाल को रेडी कर दिया। ओ शिट, देखो भाई कुछ अजब ही कार्टून नहीं देखेंगे। ओ भाई देखो, सब्सक्राइबर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 74.6 लाख, यानी कि 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स देख रहे ये ट्रक के। आज मैं इसको चला कर देखने वाला हूँ। देखो भाई, अजब ही कार्टून दिख रहा है 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी। आज मैं इसको ऑफ रोडिंग करा कर देखने वाला हूँ, ये ऑफ रोड के अंदर कैसा चलने वाली है, कहीं धुमाधार मजा आने वाला है। चलो फिर, अपने भैंसा भी आ गए दोस्तों। भैंसों को बताओ भाई, देखो भैंसा आ चुके हैं। चल ऑन कर इसको चला कर देखेंगे कैसा चलने वाली है गाइस। तो गाइस ये है अपना बड़ा सा त्रिपाल और त्रिपाल के अंदर मैं बताने वाला हूँ क्या क्या है। ये देखो भाई, त्रिपाल पूरी तरीके से ना वाटरप्रूफ का, अंदर से भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखो भाई, अंदर भी अपन पहुंच गए भाई त्रिपाल के। भाई त्रिपाल मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया है। गाड़ी पूरी तरीके से खूबसूरत दिख रही है। देखो पूरी तरीके से रियल ट्रक होती है ना, देसी ट्रक वैसी दिख रही है। आज वहाँ वाले ऑफ रोड के अंदर चला कर देखेंगे। और वहाँ पर देखो गाइस, मट्टी भी है, उस मट्टी को इसके अंदर डाल के देखेंगे। मट्टी डालने के बाद ये चलेगी नहीं चलेगी। पूरी तरीके से फोर व्हील ड्राइव है। और यहाँ पर देखना गाइस, ये ट्रक के ना दो आँखा भी निकल गई। ये एक आँख निकल गई और भाई देखो, ट्रक के दो आँखा मैं निकाल दिया बाहर खींच के। आज मैं इसको चला कर देखने वाला हूँ। ये चल गई तो काफ़ी अच्छी बात रहेंगी गाइस। काफ़ी जुगाड़ू वाली ट्रक है दोस्तों, ये देसी ट्रक है। और त्रिपाल देखो भाई, त्रिपाल लगाने तो मजा आ गया गाइस। गाइस अपनी गाड़ी ऑन हो गई, बिल्ले इसके भैंस के पास भिजा के देखेंगे। देखो अपनी भैंस आ गई है फिर से एक बार, अपनी गाड़ी को ट्रक को भिजा के देखेंगे भैंस क्या करती की देखेंगे गाइस। ओ हो भाई देखो, भैंस के पास तो, ओ हो भाई देखो रेंज इधर, यहाँ पे फ्लॉप हो रहा है। भैंस क्या करेगी इसके साथ में देखेंगे। ओ हो भाई, ये तो गड्ढे में जाके अटक गई गाइस भैंस के सामने, क्या होने वाला यार। ओके ओके, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं निकल रही है गाइस, जाके मेरे को कुछ निकालना पड़ेगा। गाइस देखो, भैंस के पास अपनी जाके अटक गई गाड़ी। मेरे को पता नहीं था ये भैंस के पास इतना जल्दी अटक जाएंगी, बोल के जाकर इसको निकालना पड़ेगा। तो आज अपनी बैल को ना चारा खिलाने के उसे ग्राउंड में लेके आए थे दोस्तों। ये देखो भाई, ग्राउंड के अंदर अपनी बैल आ चुकी थी चारा खाने के लिए। मेरे पास ना आरसी कार एक ही है, कहाँ कुचल के मार जीती की, बोल के इसके लिए मैं जाके ना फटाफट अपनी आरसी कार को लेके आ जा रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि बैल का शॉट काफी ज्यादा खतरनाक रहता है, इंसान भी सो जाता है दोस्तों। लेकिन
आज देखने वाला हूँ मैं बैल के पास, गाड़ी भिजेंगे दोस्तों। वीडियो के एंड में देखेंगे क्या होने वाला है अगर अपन ये आरसी कार को ना बैल के पास भिजाए तो। बैल आज बहुत गुस्से में, गाड़ी तो अपने पास आ चुकी है कम्प्लीटली, अब अपन इसके ऊपर बंडर ऑफ रोडिंग मट्टी भी डाल के चलेंगे कहीं। चलो अपना कार्टून और कार्टून को यहाँ पर डाल के ये बंडा लगाएंगे अपन इसके ऊपर। बंडा ये लेके जा सकती, नहीं लेके जा सकती, ये देखो यहाँ से मैं इसको खोल के इसके अंदर लगाने वाला हूँ ये बंडा। फिर देखता हूँ ये बंडा लगाने के बाद ये चलेगी नहीं चलेगी। देखो भाई लोड तो अपन इधर डाल दिए, अब चला कर देखेंगे इसको। ओहो इतने बड़े बंडे को ये लेके जा रही है, काफ़ी ज़्यादा पावर दिख रहा गाड़ी के अंदर। देखो त्रिपाल लगाने के बाद गाड़ी बहुत ही ऊपर दिख रही है। ओहो देखो भाई यहाँ तक अपनी गाड़ी आ चुकी है। ओहो भाई यहाँ पर ये बंडा लोड हो गया है, तो कोई बात नहीं इस बंडे को उठाकर यहाँ पर ही रखेंगे और देखेंगे भाई ये बंडे को ये कितनी दूर लेके जा सकती बोल के। ओके यहाँ पर तो मैं इसको रख दिया गाइस, अब इसके अंदर में मैं लगा कर देखने वाला हूँ ये कितनी दूर लेके जा सकती बोल के। देखो गाड़ी अपनी ऑन हो गई कम्प्लीटली, अभी चला कर देखेंगे। ओ शेट हीटिंग के कारण ये बंद हो जा रही है गाइस बार बार। यहाँ पर मैंने लगा दिया इसको बंडे को, अंदर टाइट लगाएंगे इसके त्रिपाल के अंदर मैंने तो उसको लगा दिया है। देखो बंडा काफ़ी ज़्यादा भारी है, इस बंडे को लेके जाके देखेंगे गाड़ी के ऊपर टॉर्क तो पड़ रहा है लगभग। ठीक है ऑन तो मैंने यहाँ पर कर दिया है, ये फिर से बंद हो गई भाई। देखो फिर से इसके अंदर प्रॉब्लम आ चुका है, क्या हुआ नहीं मालूम गाइस। देखो बार बार ये बंद हो जा रही, चल रही चल रही चल रही चल गई भाई। देखो इतना बड़ा लोड ले गई है चल रही, और इसके शॉक अब्सर्स देखो गाइस पूरी तरीके से नीचे डूब रहे हैं। अब इसको कहाँ जाना है मालूम, वहाँ पर लोड करना है, वहाँ पर मट्टी दिख रही है ना गाइस, वहाँ पर जाके इसको लोड करेंगे अपन। ओहो हो हो डब्बा गिर गया गाइस, यानी कि देखो ओहो बंडा गिर गया अपना। ठीक है इस बंडे को इसके टाट पटरी के अंदर लगाएंगे, ये देखो मैंने इधर बंडा डाल दिया है शे, इसी तरीके से बंडा अंदर लॉक हो चुका है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बंडे को लेके। ये देखो बहुत ही मिनिमम टोटल मैं इधर दे रहा हूँ। ओहो गाड़ी चल रही है गाइस, देखो यहाँ पर उसका बंडा गिरा हुआ है दोस्तों, क्योंकि इसकी बकेट के अंदर से वो बंडा निकल जा रहा था, तो मैं छोटे छोटे बंडा रखा क्योंकि बैलेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी टेलगेट नहीं है गाइस, टेलगेट नहीं रहने के कारण तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा क्रिएट हो रहा था। देखो मैं इसको ऑफ रोडिंग कराने के टाइम पर भी ये प्रॉपर तरीके से चल रही है भाई, घासों के अंदर ग्रिप तो ये काफी खतरनाक बना रही दोस्तों, इसका मतलब इसकी जो मोटर है ना काफी ज्यादा पावरफुल है। अब देखेंगे गाइस ये ताट पटरी अपन इसके ऊपर लगाए ना त्रिपाल, ये त्रिपाल कितना मजबूत है ये देख लेंगे भाई। असली ट्रक के अंदर भी ना त्रिपाल लगाया जाता है वेट के कारण, क्योंकि इसके अंदर वेट काफी ज्यादा हो चुका है, फिर भी अपनी 5 रुपए की पन्नी देखो इतनी ज्यादा मजबूत है भाई, यहाँ तक वो बंडे को लेके आ चुकी है। दूसरा त्रिपाल रहता तो अभी तक पड़ जाता था, लेकिन अपनी गाड़ी 4 व्हील ड्राइव नहीं है, 2 व्हील ड्राइव है, तो इसके लिए बार बार ये खांसों के अंदर अटक जा रही, तो उसको खींच के बाहर निकाल दिया गया। इसमें तो मेरे गाड़ी के अंदर ना 3 दिन से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, पता नहीं इसकी मोटर के अंदर क्या ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है, फिर से ये 2 व्हील ड्राइव हो चुकी है, पहले 4 व्हील ड्राइव के ऊपर काम कर रही थी ना, अब 2 व्हील हो चुकी है, पता नहीं इसकी मोटर के अंदर क्या ऐसा दिक्कत क्रिएट हो रहा है दोस्तों। लेकिन फिर भी देखो 4 व्हील ड्राइव का यूज करके ही यहाँ तक तो ढकल के इसको मैं लेके आया दोस्तों। तो गाइस वीडियो के अंदर जरूर से बने रहना, क्योंकि एंड में आप ही सारा अपन वेट डाल के देखेंगे, तब वेट डालने के बाद ये चलेगी नहीं चलेगी पता चल लेगा दोस्तों। देखो इसकी टाट पटरी पूरी फटरी ने भाई, यहाँ तक मैं इसको लेके आया लेकिन इसकी त्रिपालीन अभी तक नहीं पट्टी भाई, दूसरी रहना था तो कब की फटके बंडर नीचे गिर जाता था। देखो यार यहाँ तक पहुंच गई है मट्टी के बंडर तक, क्योंकि यहाँ पर ही मेरे को लोडिंग करना था गाइस। अभी मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो भाई यहाँ पर आगे अटक रही है क्योंकि यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव काम नहीं कर रहा था। तो देखो यार माउंटेन कितना ज्यादा है मालूम, अपन इसके ऊपर चढ़ के भी जा सकते दोस्त। देखो मैं आ गया मट्टी के पास, अब देखो पूरी तरीके से अपन इधर आ चुके हैं, अभी ये मट्टी भी ना इसके अंदर डाल के चेक करेंगे। हैवी लोड का चैलेंज मैं लिया, चलो हैवी लोड करेंगे इसके साथ, चलो गाइस मट्टी निकालेंगे। ओ ठीक है देखो पूरी तरीके से इसके अंदर बंडे हैं, ये बंडों को निकालेंगे भाई देखेंगे। ये देखो बंडे काफ़ी ज़्यादा है गाइस, अंदर अंदर तक मैंने बंडे डाल दिया है, ये फाइनली जाके बंडे लोड हो गए भाई। देखो त्रिपाल देखो भाई, त्रिपाल लगाने के बाद देखो पूरे बंडे इधर लोड हो चुके और गाड़ी इधर है, ये देखो भाई। ठीक है रिमोट ये है गाइस अपना, चला कर देखेंगे। ओहो गाड़ी ओवर हीट हो गई है, देखो गाइस। तो देखो गाइस गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकती है, क्योंकि ये माउंटेन्स काफी ज्यादा आ चुके हैं दोस्तों। दूसरी तीसरी गाड़ी लेना था तो ये माउंटेन्स के ऊपर इजीली चढ़ जाती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चढ़ पा रही है, मेरे को ऊपर चढ़ के जाना पड़ रहा है दोस्तों। ये देखो यहाँ पर ही अटक गई, लेकिन फिर भी देखो माउंटेन के ऊपर चढ़ के आज ये पार कर गई भाई माउंटेन के माउंटेन को दोस्तों, पता नहीं अभी ये क्या क्या जीतेगी आगे तक भाई। और भी ज्यादा मैं खतरनाक लोडिंग करने वाला हूँ, देखो इतना ज्यादा बंडा डालने वाला हूँ मैं इसके अंदर,
देखेंगे कितने कितने बंडे इसके अंदर जा सकते हैं। देखो अपना त्रिपालिन अभी जाके फटा, इतना बंडा डालने के बाद त्रिपालिन पूरी तरीके से फट चुका है, टाट पटरी इसकी पूरी तरीके से फट चुकी है दोस्तों। अभी बंडों को कैरी नहीं कर पाएंगी दोस्तों, अभी मुझे तो ऐसी दिख रहा है। गाइस देखो यहाँ तक तो मैं इतने इतने बंडे डाल रहा हूँ, इसके ऊपर काफी लोडेड बंडे है भाई। देखो एक बड़ा बंडा इसके ऊपर डाला, तीन चार बंडे तो इसके अंदर मौजूद है। मुझे लगता है ये यहाँ से तो पार कर चल देंगे, क्योंकि बंडे तो काफी ज्यादा तगड़े होने वाले है। ये देखो दो दो बंडे तो इसके अंदर डाल के देखेंगे, मुझे तो लगता है आगे पार कर चल देंगे, लेकिन आपको नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि एक टॉय कार आगे तक नहीं चल सकती है। अब देखेंगे दोस्तों कितने कितने बंडे डालने के बाद गाड़ी की हवा टाइट होती है। देखो इतने ज्यादा रियल बंडे मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, हेवी लोड की ऑफ रोडिंग करा के देखेंगे तब अपन की गाड़ी चल पाती या नहीं चल पाती देख लेंगे भाई। इसको बोलते हैं असली हेवी ड्यूटी ट्रक। देखो भाई पूरी तरीके से लोडेड में इसके ऊपर कर दिया बंडे, इसको बोलते हैं भाई हेवी लोड। देखो भाई त्रिपालिन लगाने से बोलने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, असली लोड करके बताना पड़ेगा तब कहीं आरसी कार की दम माना जाता है दोस्तों। देखो भाई इतने ज्यादा बंडे में इसके ऊपर लगा दिया बकेट के पीछे। अब मेरे को नहीं मालूम ये आगे खींच के लेके जाती नहीं लेके जाती। देखो टेपन तो मैं इसके ऊपर अटैच कर दूंगा, पीछे टेल गेट नहीं है तो अपन को टेल गेट बनाना पड़ेगा। ये देखो ट्रक के पीछे टेल गेट भी मैं इंस्टॉल कर दिया इसका, इसके अंदर अपन काफी ज्यादा लोड डाल दिया। अब इस लोड को लेके जाके देखेंगे, देखो यार रियल लोड मैंने डाल दिया है, काफी भयंकर लोड डाल दिया है। वेट को उठा के देखेंगे, ओहो भाई बहुत भारी हो गई यार, ये तो हद से भी ज्यादा भारी हो गई है। ठीक है देखो ये ऑफ हो गई है फिर से, पता नहीं ये क्यों ऑफ हो रही है। अपनी ट्रक को तो मैंने ऑन कर दिया है भाई, 360 व्यू बता तो मैं आपको, इतने ज्यादा बंडे इसके ऊपर डाल दिया है भाई। ओफो मानना पड़ेगा गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा धम्मे, फिर भी ये लेके जा रही है भाई। मुझे तो लगता है हर चीज ये खींच लेगी, क्योंकि इसके अंदर ना फोर व्हील ड्राइव का सिस्टम है तो इजिली हर चीज को पार कर ये चल रही है भाई। आगे मैं जैसे जैसे चला रहा हूँ ना मेरे को दिखता है ये कान गिर जाएंगी बोल के। अभी अपना पुष्पा राज के जैसा पूरी तरीके से झुक झुक के चल रही है, पता नहीं इतना क्यों झुक रही है, लगता है शॉक अब्जर का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं चला ही रहा था कि देखो भाई एक की नजर इधर पड़ गई थी, वो है ये बैल। ये बैल कब देखो जब ना अपनी आरसी कार को घूरे जा रही है, पता नहीं क्या करना चाह रही है इस चीज के साथ में। पता नहीं गाइस देखो ये कार अपनी है, अपनी बड़ी रॉक रोलर है, ये अपनी बैल है दोस्तों। कब देखो जब ये इसको घूरे जा रही है, लगता है इससे ही अपन को पूछना पड़ेगा इसके अंदर इसको क्या दिख रहा है बोल के। लेकिन ये मुझे थोड़ा बहुत इसके जैसी भी दिख रही है, क्योंकि ये बैल की सूरत के अंदर आ गई थी दोस्तों। ये रही अपनी बैल, हाय बोल दो भाई कैमरा को, हाय बोलो। अरे ये क्या कर रही हो, वो वेरी गुड यार। गाड़ी आगे बिल्कुल भी नहीं चली, यहाँ पर ये सस्पेंड हो गई। ठीक है इसके बंडरों को अपन हाथों से लोड कर देंगे। ये देखो बंडरों को निकालना पड़ेगा, ये बड़ा सा बंडर निकला यार, देखो इतना बड़ा बंडर डाल दिया मैं उधर। ठीक है यहाँ पर देखो छोटे मोटे कंक्रीट से इसको निकाल देंगे बाहर। तो आज ये इतना नहीं जीत सकी, मैं सोचा था ये जीतेगी बोल के, लेकिन एंड में बहुत अच्छी चीज़ दिखी मेरे को। गाय देखो भाई अपने कैमरे को आके किस करी भाई, मज़ा आ गया है। चलो भागेंगे अपन अपनी ट्रक को लेके।